तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था, उस सोल बीस्ट स्टोन को खाया था। और अब हम लिसन, हाउ चेन और मास्टर को देखते हैं, जो उस टेंपल में पहुंच गए होते हैं जहां पर इनके कंपटीशन होने वाला था। और वो सभी लोग एक पल में जा ही रही होते हैं, तभी वहां पर उस शरारत लड़का और उनकी फादर वहां से जाते हैं। और वो शरारत लड़का हाउ चेन को ध्यान से देखता है तो उसे सब याद आ जाती है और वो हाउ चेन को पहचान जाता है और गुस्सा होने लगता है और कहता है, मैंने उस वक्त तुम्हें पहचान नहीं पाया, पर अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हाउ चेन उसे इग्नोर करता है और मास्टर के साथ वहां से जाने लगता है। तभी उस लड़के का फादर कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी कमजोर स्टूडेंट को डायमंड हंटिंग कंपटीशन में भेजने की, क्या तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है। यह सुनकर ली सिन उसकी तरफ गुस्से से बढ़ने लगती है, पर हाउ चेन उसे रोक लेता है। तभी मास्टर उस लड़के की फादर से कहता है, तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो और इतनी दुआ करो कि तुम्हारे बेटे की सामना हाउ चेन से ना हो। तभी वह लड़का गुस्से से कहता है, क्या मैं इस कमजोर से डर लूंगा। फिर उसके फादर कहते हैं, चलो एक शर्त रखते हैं, हाउ चेन की इस कंपटीशन में ज्यादा स्कोर हो जाते हैं तो तुम मुझे एक थप्पड़ मारना, अगर मेरे बेटे की ज्यादा हुई तो मैं तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मारूंगा। अब मास्टर हाउ चेन की तरफ देखता है तो हाउ चेन इसके लिए हाँ करता है, तो मास्टर इस शर्त के लिए मान जाते हैं। अब उस लड़के के फादर मास्टर को चढ़ाते हुए कहते हैं, तो तुम सबके सामने थप्पड़ खाने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा स्टूडेंट हारने वाला है, क्योंकि इसके पास ना कोई डायमंड बीस्ट है। यह कहकर हंसते हुए यहाँ से चले जाते हैं। और अगले सीन में हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर इनका कॉम्पिटिशन होने वाला था। उसके बाद यह तीनों अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं और फिर अनाउंसमेंट होती है, डिमन हंटिंग ट्रायल शुरू होने वाला है। और फिर हम पांच एल्डर्स को देखते हैं जिन्हें सभी लोग खड़े होकर ग्रीड करते हैं। और फिर एक एल्डर बताते हैं, आज से 8000 साल पहले डिमन इस धरती पर आया था और इसके साथ होली मैजिक को पूरा भर दिया था और इसमें कई सारे क्लेन खत्म हो गए। और तब से अभी तक हम पावरफुल बनकर इंसानियत को बचाने के लिए, एक पल की रक्षा करने के लिए और उसे बचाने के लिए जिसे हम प्यार करते हैं, इसलिए हम हमेशा इंसानियत को सुरक्षित रखेंगे, इसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। और फिर वो बताते हैं, ये डायमंड हंटिंग टूर्नामेंट पावरफुल नाइट्स को सिलेक्ट करने के लिए है जिसे हम डीमन से लड़ सके और अपने को बचा सके। इसके बाद अरेना में दो वॉरियर्स आते हैं और उनसे फाइट करने एक पावरफुल ड्रैगन आता है और वो ड्रैगन इन दोनों पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और एल्डर बताते हैं, हजारों सालों से डीमन हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए हैं और हमें पूरा विश्वास है वो भविष्य में भी हमारा कुछ भी बिगड़ नहीं पाएंगे और इंसानियत कायम रहेगी और आप सभी हमारी जीत के खड़ी है। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों वॉरियर्स उस ड्रैगन पर अटैक कर देते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। और फिर एल्डर डीमन हंटिंग ट्रायल को शुरू करने की आदेश देता है। और फिर सेकंड एल्डर कहता है, लगता है इस बार अच्छे वॉरियर्स आए हैं। तभी एल्डर की नज़र एक ब्लैक कलर वॉरियर पर पड़ती है जिस पर एल्डर की नज़र होती है और इस टूर्नामेंट का होस्ट सभी को बताता है, डीमन हंटिंग ट्रायल में आज हमारे फर्स्ट राउंड के लिए 138 लोगों ने साइन किया है। इसके बाद हमें फिफ्थ लेवल की वॉरियर्स को दिखाया जाता है और वही होस्ट बताता है, अगर किसी भी वॉरियर ने अपने अपोनेंट को जान से मारने की कोशिश की तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी उसकी मास्टर को लेनी होगी। आज का मुकाबला बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि यह सभी वॉरियर्स पूरी तरह से तैयार होकर आए हैं। और इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और फर्स्ट राउंड में हाउ चेन का मैच होता है। इसके बाद ली सिन हाउ चेन से कहती है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, फर्स्ट राउंड तुम्हारा ही है। फिर मास्टर और ली सिन हाउ चेन का हौसला बढ़ाते हैं तो हाउ चेन कहता है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। यह कहकर वो बैटल ग्राउंड में निकल जाता है। इसके बाद हम हाउ चेन की अपोनेंट को देखते हैं और यहाँ सभी को एक्साइटमेंट होती है कौन जीतेगा, क्योंकि यह दोनों ही एक ही लेवल पर होते हैं। उसके बाद वो होस्ट इनको दोबारा बताता है, कोई भी किसी को जान से मारने की कोशिश नहीं करेगा। इसके बाद फाइट स्टार्ट हो जाती है और हाउ चेन अपनी तलवार और शील्ड को बाहर निकालता है। इसके बाद हाउ चेन का अपोनेंट कहता है, यह मेरा फर्स्ट राउंड है और मुझे अच्छे से लड़ना होगा।
और फिर वो अपनी सोल बेस्ट को बाहर बुला लेता है, जो कि एक स्नो हॉर्स होता है जो अपनी अपोनेंट की स्पीड को स्लो कर देता है, जिसे देखकर वहां के सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि यह एक पावरफुल सोल बीस्ट होता है। इसके बाद होस्ट हाउ चेन से कहता है, क्या तुम अपनी सोल बेस्ट को बाहर नहीं बुलाओगे? जिस पर हाउ चेन मना कर देता है। यह सुनकर एल्डर शॉक होते हैं और कहते हैं, क्या इस लड़के के पास सोल बीस्ट नहीं है? इसके बाद उस शरारत लड़के की फादर कहते हैं, मुझे तो पहले ही पता था इस बेकार के पास कोई सोल बीस्ट नहीं है, अब यह फाइट नहीं जीत सकता। वही मास्टर लिसिन से पूछते हैं, आखिर हाउ चेन अपनी सोल बेस्ट को बाहर क्यों नहीं बुला रहा है? जिस पर लिसिन बताती है, वो अपनी डायमेंशन में वापस चला गया है। यह सुनकर मास्टर हैरान होते हैं और कहते हैं, यह कैसे हो गया? इस वक्त हाउ चेन को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, पता नहीं हाउ चेन इसको कैसे मैनेज करेगा। इसके बाद हम हाउ चेन को देखते हैं, जो कि अपनी स्वॉर्ड परमिशन बनाता है और उसमें से एक गोल्डन ड्रैगन बाहर निकलता है। इसे देखकर वहां के सभी लोग हैरान होते हैं और उन्हें यह समझ नहीं आता है यह किस तरह की टेक्निक है, और वही हाउ चेन का अपोनेंट भी यह देखकर हैरान होता है और कहता है, मैंने आज से पहले इस तरह की टेक्निक को पहले कभी नहीं देखा, इसलिए मुझे ज्यादा इंतजाम नहीं करना चाहिए और उस पर पहले अटैक करना चाहिए। इसके बाद वो सोल बेस्ट पर बैठकर हाउ चेन की ओर बढ़ने लगता है, पर हाउ चेन अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता है, जो देखकर सभी हैरान होते हैं। और फिर उसके अपोनेंट जंप करके एक पावरफुल अटैक करता है, जो देखकर हाउ चेन अपनी डिफेंस में ड्रैगन की पावर को मिक्स करता है और उसके अटैक डिफीट करता है और उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है। यह अटैक अपोनेंट को सीधा जाकर लगता है और वो उसे रोक नहीं पाता है और बहुत दूर जाकर गिरता है। यह देखकर वहां के सभी लोग हैरान होते हैं और सबसे ज्यादा तो उस शरारत लड़का और उनके फादर होते हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था हाउ चेन इतना पावरफुल हो सकता है। इसके बाद हाउ चेन का अपोनेंट दोबारा से खड़ा हो पाता, इससे पहले ही हाउ चेन उनकी गर्दन पर तलवार रख देता है और फिर यह डिक्लेयर कर दिया जाता है, हाउ चेन इस मैच को जीत गया है। अब उसका अपोनेंट पूछता है, यह कितनी शर्म की बात है, क्योंकि मैं एक ऐसे बंदे से हार गया जिसने अपनी सोल बेस्ट का ही इस्तेमाल नहीं किया। इसके बाद लिसिन मास्टर से पूछती है, एक ही झटके में हाउ चेन उसे कैसे हरा दिया? जिस पर मास्टर उसे इस टेक्निक के बारे में बताते हैं और उसे डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, और वही फाइव एल्डर हाउ चेन के यह पावर देखकर इसके बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं और कहते हैं, इस लड़के को हराना इतना भी आसान नहीं होगा, इस लड़के की लेवल बहुत हाई है। जिसके बाद हाउ चेन लिसन से हाई फाई करता है तो एल्डर हाउ चेन के रिंग को देख लेता है, जिसे शायद वह पहले ही जानते हो, इसलिए वह एक गार्ड से हाउ चेन के बारे में पता करने की कहता है, क्योंकि वह कहां से आया है। इसके बाद हाउ चेन को मास्टर कहते हैं, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए और अपनी कल्टीवेशन को लेवल 4 से ब्रेक करके लेवल 5 पर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा अगला अपोनेंट बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अगले राउंड तक लेवल 5 पर पहुंच जाओ। जो सुनकर हाउ चेन मास्टर की बात को मान लेता है और वहां से बाहर आ जाता है और बाहर आकर उस पिल्स की बोतल को चेक करने लगता है और कहता है, उम्मीद करता हूं इसकी मदद से मैं बहुत जल्द ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि हाउ चेन के पास से उनके लवर निकलती है। इसे देखकर हाउ चेन वहीं पर फ्रिज हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना।